तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं गूगल के अभी रिसेंटली में ही लीक किए गए एक नए मिड रेंजर फ़ोन गूगल पिक्सल एक्स ई के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली में ही लीक किया गया है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, वो बात अलग है कि इस फोन का नाम 2 रुपये की पेप्सी तेरा भाई आज भी सेक्सी वाले लाइनों पर राइम कर रही है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं इस फोन के बारे में, कब आप लोग इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्च होता हुआ, पिक्सल एक्स ई की स्पेसिफिकेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं। तो आपने बस इस वीडियो को पूरी आज तक देख लेना है और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास के जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। ओके, तो भाई जैसे कि हम सब जानते हैं, खासकर इस साल से भी गूगल वाले अपने फ्लैगशिप फोन्स बनाने बंद कर दिए हैं और ये ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं अपने प्रीमियम मिड रेंजर फोन्स पे। और मिड रेंजर फोन्स पे यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ पिक्सल 5 और 4a की भी। 4a तो यार इंडिया के अंदर भी काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से बिक रहा है। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, हाँ दोस्त, यहाँ पे गूगल पिक्सल एक्स ई भी स्पॉट किया गया है। यहाँ पे इस फोन के कुछ लाइव इमेजेस निकल के आए हैं, तो इस बात की यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है कि ये आगे भी अपने मिड रेंजर सीरीज को ही आगे बढ़ाने वाले। अब देखो ये फोन कैसा होने वाला है, इस बारे में यहां पे ज्यादा चीजें तो निकल के नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहे इन लीक्ड इमेजेस पे नजर डालो। और हां भाई, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, यहां पे जो सबसे पहली चीज आप लोगों को भी नजर आ रही होगी वो ये है कि इस फोन के साथ आपको फ्रंट साइड पे सेंटर की तरफ एक पंच होल कैमरा कटआउट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमने Redmi Note 9 सीरीज के साथ देख रखा है। बेजल्स यहां पे मुझे थोड़े मोटे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगेन ये फोन मेरे ख्याल से 80% से ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ आने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है इस फोन के साथ। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इस फोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको 1.8 GHz पे क्लॉक्ड एक क्वालकॉम का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इस मदरबोर्ड का नाम भी देख पा रहे हो, जो कि आपको बताना चाहूंगा काफी कुछ मिलता जुलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G से। तो हो सकता है कि इस फोन के साथ आपको ये SoC देखने को मिल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये पिक्सल 4a से भी एक सस्ता फोन लॉन्च करने वाला है गूगल। और अगेन ये एक अच्छी बात है भाई कि 20-25 हज़ार रुपये में अगर हमें कोई पिक्सल डिवाइस इंडिया के अंदर लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा, तो मेरे भाई ये काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। कैमराज मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लाइन वही गूगल पिक्सल 4a वाले होने वाले हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको वही गूगल की HDR टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कमाल की डायनेमिक रेंज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक से ज़्यादा कैमराज की आप लोग उम्मीद भी मत लगाना गूगल से। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लीक्स निकल के आए थे और वो भी कितने ज़्यादा रिलायबल है इस बात में भी कोई कन्फर्मेशन नहीं निकल के आई है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इस फोन के साथ आपको 3 से 4 हज़ार mAh की बैटरी भी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगेन ये वाली बात देखने वाली होगी कि इस फोन के साथ आपको ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये वाली बात देखने वाली होगी, लेकिन कम से कम कमाल की बात तो यहाँ पे ये है। और इस लीक इमेज से भी हमें ये बात मालूम चलती है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है, और इसके ऊपर से गूगल पिक्सल डिवाइसेस पे कितनी कमाल की स्किन होती है यह बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब वैसे यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल है इस फोन के बारे में भाई, सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक चिपकाओ इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इस लाल वाले बटन को दबा के। और चलो फिर मैं मिलता आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।